क्लॉक टावर थाना अंतर्गत लोडिंग टेम्पो चुराने वाला चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। आरोपी से पुलिस ने चुराए गए दो टेम्पो किए बरामद। नशे के शौक पूरा करने के लिए करता था चोरी की वारदात। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने टेम्पो चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। आरोपी के कब्जे से चुराए गए टेम्पो वाहन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने नशे का शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान कर रही है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश चौधरी ने बताया कि नवाब का बेड़ा माली मोहल्ला निवासी भगवान इसरानी पुत्र जीवतराम इसरानी की ओर से थाने पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। उसके ऑफिस के बाहर से 13 फरवरी की रात अज्ञात चोर लोडिंग टेम्पो चोरी करके फरार हो चुका है। लोडिंग टेम्पो चोरी की घटना ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें एक चोर एक मिनट में लॉक तोड़कर लोडिंग टेम्पो चोरी कर फरार होता हुआ नजर आ रहा है। थाना प्रभारी चौधरी ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। मामले में मुखबिर तंत्र और सीसीटीवी के आधार पर कायमपुरा गांव निवासी अलादीन खान उर्फ फारूक को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से चुराया गया लोडिंग टेम्पो के साथ ही एक सवारी टेम्पो भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी आदतन शराबी है। नशे का शौक पूरा करने के लिए आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सर, इसमें दिनांक 13/2/2024 को परिवादी श्री भगवान दास ईसरानी पुत्र जीवतराम ने जाति सिंधी निवासी नवाब का बेड़ा थाना क्लॉक टावर ने उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। मेरी दुकान के आगे से मेरा एक लोडिंग टेम्पू था जो कोई रात्रि में अज्ञात चोर चुरा कर ले गया, जिस पर थाना क्लॉक टावर पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दौरान अनुसंधान घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेजों का अवलोकन किया गया, मोबाइल डाटाओं का अवलोकन किया गया, बीटीएस वगैरह उठाए गए और पूर्व में इस प्रकार के जो आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहे लोगों से पूछताछ की गई। मुखबिर खास की इतला पर अलाउद्दीन उर्फ फारूक के पुत्र उदय खां जाति कामख्यानी मुसलमान निवासी कायमपुरा थाना गेगल जिला अजमेर को दस्तियाब किया गया और आरोपी से जो वाहन चोरी हुआ है लोडिंग टेम्पो वो बरामद किया गया है, तथा आरोपी की निशादी से एक अन्य सवारी टेम्पो भी बरामद किया गया है जिसको धारा 102 सीआरपीसी में जब्त किया गया। उसके संबंध में जांच की जा रही है। वह आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुराना का कारण बताया और इसका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड आया सर? इसका आपराधिक पूर्व का नहीं है, शराब पीने का आदि है। नशे की लत पूरी करने के लिए इसने इस प्रकार की चोरी की वारदात की है। कितनी कोई चोरी की है ऐसा कोई बताया? ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं, ये एक टेम्पो और उसके पजेशन से मिला है और एक ये जो अपने घटना में क्लॉक टावर थाना क्षेत्र से हुआ, दो टेम्पो इससे बरामद किए गए। पहला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।